Assalamualaikum guys, my name is Muhammad Bilal and welcome back to my channel. Guys, वीडियो शुरू करें उससे पहले मुझे आप ये बताएं कि मेरा न्यू लुक कैसा है, मेरी टिंड। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे है, तो वीडियो को कहीं पे भी आपने स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। आज की वीडियो में हम सोशल मीडिया के अबाउट बात करेंगे कि सोशल मीडिया है क्या, इसका मकसद क्या है और हमको इसको किस तरह यूज कर रहे हैं और हमें इसको किस तरह यूज करना चाहिए, ये सब कुछ। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि सोशल मीडिया पे आने वाली हर न्यूज ना तो वो रियल होती है ना तो वो फेक होती है, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर हमें कोई बम थ्रेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि यार ये फेक है, हो सकता है वो रियल हो, हम उस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और वहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, और हमें पता है कि ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम एक्शन लेंगे, वो कैसे? हम जो वो वीडियो है या कोई वो मैसेज है उसको हम गौर से देखेंगे, ठीक है ना। अगर उसमें वो नंबर बता रहा है या कोई जगह बता रहा है तो हम वो वीडियो को कंफर्म करेंगे, ठीक है। अगर वो नंबर बता रहा है तो हम उस पर कॉल करेंगे, कंफर्म करेंगे। अगर वो वीडियो राइट है, अगर वो बंदा राइट बोल रहा है तो हम उस वीडियो को लाजिम शेयर करेंगे, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो अगर वो मतलब कि रॉन्ग बोल रहा था हम उसको उधर ही स्किप कर देंगे। दोस्तों, थोड़ी देर पहले ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास आई, मेरे हत्थे चढ़ी, तो मैंने उसका कैसे रिस्पॉन्स दिया आप खुद ही देख लें। मेहरबानी, मेरा नाम आसिफ है, ये मेरी बेटी है शहर और इसकी उम्र 13 से 14 साल है। ये कल इफ्तारी से पहले से लापता है, अभी तक हमें नहीं मिली और हम लोग इसको ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। पुलिस में भी जाके दरख्वास्त दी है और कुछ भी किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया, वो उल्टा मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं कि तू तू बाप हो के तू इस तरह काम करके तू हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ ये वीडियो इतनी वायरल करें कि इमरान खान साहब तक पहुंचे ये वीडियो। और ये मेरी बेटी है शहर, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको इसमें दे रहा हूँ, 0344-570-2611 मेरा नंबर है। बराए मेहरबानी, अगर किसी बंदे ने किसी शख्स ने भी इसको कहीं पर भी देखा हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके या इमरान खान साहब तक मेरी ये वीडियो पहुंचा दे, अल्लाह का वास्ता कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए। मैं आपको ये इल्तजा कर रहा हूँ, मेरी बेटी मुझे ढूंढ दो है पाकिस्तानियों। दोस्तों देखिए आपने ये वीडियो, ये वो वीडियो है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। इस वीडियो में हमें उस भाई ने क्या क्लू दिया है, उन्होंने ये बोला कि ये मेरा नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप हमसे रابطہ करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, वो नंबर, ठीक है ना। तो हम उस नंबर को डायल करते हैं, ठीक है, पता करते हैं कि आया ये वीडियो रियल है या फिर फेक। अगर फेक है तो इधर स्किप करेंगे, अगर रियल है तो फिर हम इसको आगे शेयर करेंगे। दोस्तों नंबर डायल कर दिया है मैंने, चलें लाउड स्पीकर भी ओपन कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कोई वीडियो मैसेज वायरल किया हुआ है अपना कि आपकी बेटी गुम है? मिल गई है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई मुझे जान के। मैं मतलब कि आउट ऑफ कंट्री में हूँ, दुबई में हूँ, तो मैंने जैसे वीडियो देखी तो मैंने कॉल की, मैंने सोचा पहले पता करता हूँ कि वाकई ये रियल चीज़ है या फिर किसी ने ऐसे ही वीडियो बना दी है। तो इसलिए चल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका नंबर है मेरे पास, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। कुछ भी बेटी आपकी ठीक है ना? चलें अल्लाह पाक आपको और आपकी बेटी को अपनी हिफाजत में रखें। बहुत खुशी हुई जी सुन के। बहन भाइयों को खुशी होती है जो बेटियों वाला बहनों वाला होता है भाई।
बेशक बेशक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी है ना, तो मैं ये चीज़ समझता हूँ बहुत अच्छे से। चले चले, ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, आयो, अल्लाह हाफिज़। जी तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी मैसेज को इग्नोर नहीं करें, ठीक है ना। देखें ये सच है, इस वीडियो में जो जो नंबर उसने बोला हुआ है ना, बिल्कुल उसी नंबर पे मैंने कॉल की है, ठीक है। और वो जनाब उनकी उनका सच में उनकी बेटी गुम हो गई थी और वो अभी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत खुश है, ठीक है यार। बेटियाँ रब की रहमत होती हैं, ये देखें मेरी भी बेटी है माशाल्लाह। तो किसी मैसेज को इग्नोर नहीं करें, कन्फर्म करें और शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाता है तो इससे बड़ी चीज़ और क्या है यार, क्या कहते हैं आप लोग। तो प्लीज़ कोई भी इस सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखते हैं, कोई भी मैसेज होता है तो उसको आप इग्नोर नहीं करें, कन्फर्म करें। अगर वो राइट है उसके बाद फौरन उसकी हेल्प करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये इंसानियत इंसानियत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये वाली चीज़। इंसानियत को हम इस तरह से ज़िंदा रख सकते हैं। आप सोशल मीडिया के अबाउट क्या ख्यालात रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक कर दें, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका हक है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों से एक बात कहूँगा, ऐसी अगर आपके पास कोई भी वीडियो आती है, ठीक है ना, तो आप मतलब कि मुझे सेंड कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी है, आप मुझे इधर सेंड कर सकते हैं, मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, मिलते हैं हम बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोग का ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।